हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल द्वारा एनडीआरआई में आयोजित पशु मेले के उपरांत पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मेले में लगभग 800 से 900 किस्म के पशु लाए गए हैं जो अपना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य दूध को बढ़ाना है, जिसके लिए नई किस्म की सीमन किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमन की कीमत जो 1200 रुपए थी, उसको किसानों को 200 रुपए में मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले में जो सर्वोत्तम पशु आएंगे उनको 2.5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 36 लाख के इनाम भी इस मेले में बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आने वाले समय में दूध को बढ़ावा देना है, जिसके लिए सर्वोत्तम किस्म के पशु किसान पालन करें, इसके लिए उनको अच्छे सीमन उपलब्ध करवाए जाएंगे जिनकी कीमत भी कम होगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, हरियाणा सरकार किसानों को पूरा मुआवजा देगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वह पशुपालन में अपना रोजगार शुरू करें, क्योंकि सरकारी नौकरी हर युवक को नहीं मिल पाती, इसलिए पशुपालन एक बेहतर रोजगार का माध्यम है। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में पशुपालन क्षेत्र में दिए जा रहे ऋण की भी सराहना की है। देखिए एक रिपोर्ट। इस पशु प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मैं दिल की गहराइयों से महामहिम जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपने करीब के वक्त से निकाल के हरियाणा के पशुपालकों किसानों के लिए जो समय दिया है, हम इनके आभारी रहेंगे। हरियाणा जो है किसानों का प्रदेश है, पशुपालन का प्रदेश है, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है किसान की आय को दुगना करना, इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश के अंदर हरियाणा प्रथम स्थान होगा, ऐसे हमारे कोशिश है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हमें फसलों की लागत को कम करना है। कल ही आचार्य जी प्राकृतिक खेती पे मुख्यमंत्री हमारे मंत्री साहिबान कृषि विभाग के सारे अधिकारियों के सामने एक जो प्रेरणा स्वरूप प्रेजेंटेशन दी, जिसमें दिखाया कि किस तरह से जहर मुक्त खेती की जा सकती है पद्म श्री पालेकर जी के विधि के द्वारा। हर साल जो है 4,000-5,000 रुपये प्रति एकड़ के लागत को कम किया जा सकता है और अच्छी उपज की फसलें पैदा करके किस तरह से किसान की आमदनी बढ़ा के और जहर मुक्त खेती पैदा करके मोदी जी का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसी रास्ते में हमारा दूसरा जो काम है कि पशुपालन की तरफ ध्यान देना। पशुपालन भी किसान ही करता है और इसमें हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। हरियाणा हमें जो पहला प्रदेश है, हमने यहाँ जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, पशु क्रेडिट कार्ड की योजना चालू कर दी है, हजारों कार्ड हमने से बना दिए हैं। 3 लाख रुपए का 4% का पैसा किसान बैंक को देता है और जिस तरह से उसका क्रेडिट कार्ड होता है, जब चाहे उसको निकलवाओ, जब चाहे उसको डाल दो। तो छोटा किसान है जिसके पास जमीन भी कम है, उसको पूंजी नहीं मिलती थी, ये पूंजी दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्कीम दी है और हरियाणा के अंदर हमने सबसे पहले ये स्कीम शुरू की है। इससे भेड़ पालक है, बकरी पालक है, तो गाय पालक है, भैंस पालक है, छोटे छोटे पूंजी वाले हैं, अपने परिवार का पालन करके ये व्यवस्था कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले साल में लाखों किसानों को हम ये कार्ड बनवा देंगे, जिससे कि छोटे छोटे आदमी अपने घर में स्वरोजगार के द्वारा देश का विकास करें, दूध का उत्पादन करें, पशुओं की देखभाल करें। आज मैं हरियाणा के प्रवास पर आया हुआ था, आदरणीय दलाल साहब का आदेश हुआ कि आज के इस मेले में पधारकर मैं आपके दर्शन करूं, तो मेरा सौभाग्य है कि आज आप सब प्रदेश के वो किसान हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और जिन्होंने पशुओं की नस्ल को बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए आप सब किसान भाइयों को मैं बधाई देता हूँ,
साधुवाद देता हूं। हरियाणा प्रदेश के पशुपालन विभाग ने आज इस मेले का 3 दिन के लिए आयोजन किया है और पूरे प्रदेश के ऐसे किसान भाई बहन जो पशुओं की नस्ल सुधार की दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा है और अन्य प्रदेश के लोगों के लिए प्रेरणा। यहाँ जितने पशुधन आया है उसको हजारों किसान देखेंगे, प्रेरणा लेंगे, उत्साह पैदा करेंगे और वो भी नस्ल बनाने का काम करेंगे। मैं खुद पशु नस्ल के लिए लंबे समय से काम करता हूँ। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है जहाँ 350 गाय हमारे पास है और 6-8 नस्लों की गाय मेरे पास में है, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी, गिर, लाल सिंधी और हॉस्टन फ्रीजन जर्सी। इन गायों की नस्लों को आपकी तरह NDRI में मेले लगते रहे हैं और ये हमारी प्रदेश सरकार ने, पशुपालन विभाग ने, माने मंत्री जी ने इस मेले का आयोजन कराया। इस प्रकार के मेलों में मेरे खुद के पशु आते रहे, इनका बहुत लंबा अनुभव मेरा है और मेरे खूब पशु पारितोषिक जीतते रहे। आज भी हमारे कुछ पशु यहाँ आए हैं गुरुकुल से और नस्ल बनाने का काम एक बहुत बड़ी सेवा का काम है। आज दुर्भाग्य है कि हमारे किसान भी आप जैसे किसानों को छोड़ के, उनको नहीं पता कि अच्छी नस्लें कैसे बनाई जाती है। पशु की नस्ल बनती है नंदी से, बुल से, सांड से। हमने ऐसे बुल नंदियों का सिलेक्शन करना चाहिए जिनकी माँ का दूध अधिक से अधिक हो, जिनके बाप की माँ का दूध, नानी का दूध ज्यादा से ज्यादा हो और ऐसे नंदी जब अगले नस्लों के लिए तैयार किए जाएंगे तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे तो वो अच्छी इल्ड देने वाले पैदा होंगे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 1982 में 8-10 गायों की गौशाला शुरू की थी और वो गाय 10-10 किलो दूध देती थी। मैंने उनकी नस्ल सुधारने का काम किया, अच्छे नंदी के सीमन ले जाता था और उन्हीं पशुओं से जब अगली मेरी बछड़ी आई तो 10 वाली से वो 15 किलो दूध वाली पैदा हुई। मैंने 15 किलो वाली को और अच्छे नंदी से उसका संपर्क कराया, सांड से संपर्क कराया तो वो 20 किलो की पैदा हुई, तीसरी कराई वो 25 किलो की पैदा हुई और इस मिशन को मैंने लगातार 15-20 साल तक चला और परिणाम ये हुआ कि मेरी गाय हरियाणा में 48 किलो 200 ग्राम दूध देकर के मर गई। बहुत सारे गांव में किसानों की फसल को नुकसान हुआ है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जहां जहां नुकसान है वहां जो बीमा कंपनियों से है, बीमित किसान है तो बीमा कंपनियों से उसको मुआवजा दिलाया जाएगा और स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों के नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। ये जो नुकसान है किसान का नुकसान नहीं है, ये हरियाणा सरकार का नुकसान होगा, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं। सर विपक्ष ने काफ़ी बड़ी मांग की मुआवजे की, कम मुआवजा है कुछ इसके लिए? विपक्ष के ज़माने में अब तो हम लगभग इस सरकार के आने के बाद 3,000 करोड़ रुपये मुआवजा दे चुके हैं और लगभग 2,080-85 करोड़ रुपये का फसल बीमा से दिलवाया जा चुका है। पुराने वक्त के आप आंकड़े देखो, 10 साल कांग्रेस का सरकार था, 20-20 रुपये के चेक देते थे मुआवजे के, उनके 10 साल का मुआवजे से हमारा 6 साल का मुआवजा दुगना है।
ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से 3 दिवसीय पशु मेले का शुभ आरंभ हुआ है, जिसमें हरियाणा प्रदेश के प्रबुद्ध और अच्छे पशुपालक यहां पर पहुंचे हैं। इस मेले का मुख्य मिशन है कि किसानों में अच्छे पशुपालन के प्रति जागरूकता पैदा हो, उनमें उत्साह पैदा हो और दूध के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश बहुत आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी की योजना कि भारत के किसान की आय 2022 तक दोगुना हो, उस दिशा में भी पशु बहुत बड़े किसान के सहयोगी हैं। खेती के साथ पशुपालन भी जुड़ता है तो किसान की आय उससे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसी भावना को लेकर मैं हरियाणा प्रदेश के माननीय डेयरी एवं पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल जी को बधाई देता हूं और हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं कि जिन्होंने किसानों में पशुओं के प्रति एक स्नेह का भाव पैदा करने के लिए और किसान की आय और समृद्धि को बढ़ाने के लिए इस विशाल मेले का आयोजन किया, जिसमें संभावना हजारों पशु भाग लेंगे और बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के किसान इस मेले को देखकर जागृति पैदा करेंगे और नस्ल सुधार के क्षेत्र में पशुओं की वो काम करेंगे ताकि हरियाणा प्रदेश समृद्धि के पथ पर आगे बढ़े। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.